बताओ ना, सही बताओ क्या लेके आए। मैं नहीं छूंगी, नहीं मेरे को नहीं चाहिए। बोले बताओ इसे क्या है, मेरे को नहीं। बर्थडे तुम्हारा क्या है, सरप्राइज मुझे देना है, तुमको थोड़ी देना है। मैं नहीं, पता नहीं क्या लेके आए। नहीं डरती यार। हाँ क्या है मोलू, खोल तो तू खोल, इसमें क्या है। कछुआ लेके आए हैं पापा मेरे हाथ में दे रहे। ले ले, मैं लेनी रही थी। कछुआ है, बोलना नहीं चाहिए कछुआ है, मर जाएगा जे। नहीं पानी डाल, पानी डाल देना। नहीं घर में नहीं रख सकते जे, मर जाएगा। हाँ वापस वापस ले जाना है, कितने प्यारा है। कछुआ छूना बहुत लकी होता है। तुमने अपने हाथ से छुआ? उठाओ तो फिर से, उठाओ तो फिर से, उठाओ उठाओ। तुम तो उठा लेते हो, उठा लेते हो। तो तुम हाँ देख रही, इसका मुंह मेरा देखो। कछुआ देखो, मेरे घर में कछुआ, मेरे घर में ये कौन नया मेहमान आया, हम इसको पालेंगे? नहीं, मुझे भी नहीं पता था। जय ने मुझे सरप्राइज दिया, क्योंकि वो जानते हैं कि मुझे है ना इस तरह के जानवरों से बहुत प्यार है। मैं कभी इन सब को ना नुकसान नहीं पहुंचाती, मुझे अच्छे लगते हैं। मैं ना सड़क पर निकल के जा रहा था। हाँ काफी बार हम लोग ना जाते ना हमारी गाड़ियों के पास आ जाते हैं, तब तक थोड़ी देर के लिए पानी में रख दो, या फिर है ना वो होती है रेत, रेत ठंडी रेत करके उस पर रख देना। अरे नहीं, रसोई के बर्तन में नहीं बेटा, नहीं रसोई के बर्तन में थोड़ी ना बाहर के जानवर को रखते हैं। नहीं वो पापा रखेंगे बाल्टी में। अरे कछुआ ये अभी पानी के ऊपर बैठा है। एवरीवन गुड आफ्टरनून। और आज है ना सारा काम करके, खाना पीना बना के, यानी मॉर्निंग के सारे कामों से फ्री होके ना आज मैं तैयार हो रही हूँ। मैंने सोचा चलो आज तैयार होके ना व्लॉग स्टार्ट करते हैं। रोज है ना भूत जैसी शक्ल लेकर आ जाती हूँ और व्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ। और आज मन कर रहा था साड़ी पहनने का, इसीलिए ना मैंने पहले सारे घर का काम कर लिया और अब मैंने साड़ी पहनी है, ताकि है ना मैं थोड़ी सी तैयार भी दिखूँ। अच्छा लगता है ना, कभी कभी हमारा मन भी खुश हो जाता है जब हम तैयार होते हैं। तो अभी बस, और ये देखिए आज जय जो लेकर आए थे ना मेरे लिए सरप्राइज गिफ्ट, वो पानी में बकेट में खेल रहा है, बड़े ना अच्छे से इंजॉय कर रहा है। गांव में था ये, गांव से पापा ने ले लिया। हाँ। पापा गाड़ी में रख के इसको ले आए। हाँ। हैं, अब इसको वापस भेज दूंगी बेटा, घर में नहीं रख सकते। हाँ। सुबह से बेचारा वो क्या खाता होगा, हमको पता भी नहीं है कि क्या खाएगा। बस की कुछ सुबह से बस थोड़े से पानी में, कभी बाहर निकाल लेते हैं, कभी पानी में रख देते हैं। इसको क्या भूख लगती है? और क्या भूख लगती है बेटा इसको, देख कैसे चल रहा है जे, देखना मस्त चल रहा है। मैं ना एडिटिंग कर रही थी वीडियो की, इसलिए मैं शूट नहीं कर पाई थी बहुत देर से। अब मैंने सोचा आप लोगों से आराम से शूट करती हूँ, बताती हूँ। ये दोनों मस्त खेलने में लगे पड़े हैं कल से, सॉरी सुबह से। हेलो एवरीवन गुड आफ्टरनून, क्योंकि अभी है ना 12 या 12:30 का टाइम हो रहा है, और वीडियो बनाई ना उससे थोड़ी देर पहले ही मैं तैयार हुई, क्योंकि है ना मैं बिल्कुल भी तैयार होकर नहीं बैठी थी। साड़ी तो पहन ली थी बट तैयार नहीं थी, फिर अच्छा नहीं लग रहा था ना, एकदम भूत जैसा चेहरा। रात को भी इतना गंदा चेहरा लेकर आ गई थी, मैंने सोचा अब नहीं, थोड़ा सा तैयार हो जाते हैं। और सिंदूर देखो लगा है, लेकिन कम गर्मी में ना बह जाता है, और मुझे सूखा सिंदूर ही अच्छा लगता है, तो अभी मैंने नहीं लगाया है। और क्या कह रही थी मैं, हाँ आज ना मेरे घर में नया मेहमान आया, यानी जो कछुआ आया है ना, तो अब उसको रखेंगे या नहीं रखेंगे अभी कुछ भी पता नहीं है, पर जहां तक तो मैं मना कर रही हूँ, क्योंकि ये जंगली कछुए होते हैं ना, ये घर में सरवाइव नहीं करेंगे, मर जाएंगे। और शायद कछुआ घास खाता है, मेरे ख्याल से जो जंगली कछुए होते हैं ना वो घास खाते हैं, अब पूरा मुझे ध्यान नहीं है, क्योंकि आरू मोलू बहुत देर से पूछ रहे हैं। और अभी मैं ना दोपहर का टाइम हो रहा है और मैं जा रही हूँ थोड़ा सा कुछ हल्का फुल्का सा बनाने के लिए, कुछ मीठा खाने का मन कर रहा है, तो मैंने कहा चलो मेहमान आया है नया घर में, उसी खुशी में कुछ मीठा बना लेते हैं। और ये रेसिपी है ना मैंने पहले भी अपनी वीडियो में चैनल पे डाली है कुछ, अभी शायद एक महीने के अंदर ही, तो अगर उस वीडियो की लिंक मिली ना तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप लोग चेक कर लेना, क्योंकि फिर काफी लोग रेसिपी मांगेंगे दी आप रेसिपी दे दो। तो इसको मैं बना चुकी, बहुत ही ना जल्दी बनने वाली रेसिपी है, फटाक से बन जाती है और फटाक से खा लो आप इसे। तो बस हम लोग है ना अभी मैं वही बनाने जा रही हूँ, उसके बाद में आपसे मिलती हूँ। और मैं पता है अभी बैठे बैठे मूवी देख रही थी, इसलिए मेरा ध्यान है ना बार बार भटक जा रहा है। तो चलिए मैं पहले उसको बना लेती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। आज है ना मैंने ये मेरी साड़ी पहनी है, पता है जब से मैं YouTube पर आई हूँ ना,
उससे पहले की साड़ी है, ये मेरी शादी की साड़ी है। मुझे ना मेरे वो अंकल है ना जिनकी डेथ हो चुकी, उनकी वाइफ ने मुझे ये गिफ्ट की थी। उनकी यादगार है, उनकी निशानी है, जो कि मैंने आज तक संभाल के रखी है। मैंने कभी नहीं पहनी, आज 9 साल हो चले धीरे धीरे करके, लेकिन मैंने बस ये एक या दो बार पहनी थी। काफी हैवी है ना, इसमें वर्क है पूरी साड़ी में, देखो पूरी साड़ी। कपड़ा तो बहुत मुलायम सॉफ्ट है, लेकिन वर्क है ना बहुत ज्यादा, तो ये पहनी नहीं जाती। और मेरी आदत क्या है, मैं भूल से ना साड़ी से ले ऐसे करके मुंह पोंछ लेती हूँ, तो ये पूरा चुभ जाता है मुझे। तो ये साड़ी मुझे इतनी अच्छी लगी है ना कि मैंने इसको कभी है ना क्या कहते हैं किसी को दिया भी नहीं है, और बस एक यादगार के रूप में रख रखी है। और खाना पीना सब हो चुका है, बर्तन भी हो चुके हैं, लेकिन ये देखो एक्स्ट्रा के बर्तन जो कि मुझे अभी मांजने हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि पहले ना कुछ बना लें, क्योंकि अब दोपहर का टाइम हो रहा है और ना भूख लग रही है हल्की फुल्की सी। कछुआ क्या खाता बेटा, मुझे ही नहीं पता, मुझे याद भी नहीं है, बहुत साल पहले की पढ़ाई में आया था, अब भूल गए। हम सर्च करेंगे कछुआ क्या खाता है ना, हम सर्च करेंगे। तो चलिए पहले कुछ है ना नाश्ता सा बना लेते हैं, उसके बाद आप सुनते हैं। तो यहाँ पर नाश्ते में बना रही हूँ ब्रेड वाली मेरी मिठाई, क्योंकि कुछ मीठा खाने का मन है और घर में अंदर घर के अंदर अभी फिलहाल कुछ है नहीं, तो ये ना बड़ी जल्दी बन जाती है, इसके लिए आज मैं बना रही हूँ। आज है ना इसको मैं स्क्वायर शेप दे रही हूँ, मेरे बोलने में ना गड़बड़ हो जाती है कभी कभी, चम्मच सीधी वाली लेनी पड़ेगी, ऐसी चम्मच लेते हैं। आज तो बड़ा वो पहना तो नहीं, बहुत पुराना है, पुरानी साड़ी है हा? आज बस ऐसे ही पहन ली है ना, मैंने कहा नहीं नहीं पहनते, चलो पुरानी पहनते हैं कोई चीज। मुझे भी भूख लग रही थी इसीलिए देखो मैं इसको बना रही हूँ। ये हमारी मिठाई, दाल चावल से ना पेट नहीं भरता, सुबह के टाइम तो बिल्कुल ही नहीं भरता, आदत नहीं है ना अपने लोगों को, नहीं है खत्म, अभी जस्ट आरू ने फिनिश किया। लीजिए सा, अब इसको हम एक दूसरे के ऊपर ऐसे प्रेस करेंगे, ढाक देंगे। प्रेस नहीं, अच्छा ढाक देंगे हाँ। अरे तू तो बहुत होशियार लड़का है। इसको डाल देना फिर बर्गर बन जाएगा। तुम खाओगे जी? खाएंगे, ये मिठाई तो खाएंगे, उनको भी बहुत पसंद है। तो जय स्कूल से आए और उनको भूख लग रही थी, तो मैंने सोचा कि चलो मैं यही बना लेती हूँ। मैंने उनसे पूछ भी लिया था तो बोले यही बना दे, क्योंकि ये मिठाई है ना उनको बहुत अच्छी लगती है और ये बड़ी आसानी से बन जाती है, बड़ी जल्दी बन जाती है। अगर गर्मियों में आपको कुछ अच्छा खाने का मन करे ना और आपको किचन में बहुत ज़्यादा देर तक नहीं रुकने का मन है, तो आप है ना ये वाली मिठाई की रेसिपी बना सकते हैं। बहुत ही फटाफट बन जाती है और टेस्टी भी लगती है खाने में और हेल्दी भी है, क्योंकि इसके अंदर दूध है, चीनी है, चीनी थोड़ी अनहेल्दी होती है लेकिन स्वाद के लिए कभी कभी करना पड़ता है, लेकिन इसके अंदर है ना आप दूध बादाम ये सारी चीज़ें डाल के इसको अच्छे से गार्निश कर दें और देखिए खाने देखने में कितनी अच्छी लग रही है, उतनी ही अच्छी खाने में लगती है। तो एक बार है ना आप लोग इसे जरूर ट्राई करें। कोल्ड ड्रिंक पिला दो, आइसक्रीम खिला दो, तो तुम खा लो, बच्चे ऐसी चीजें इतने स्वाद से खाते हैं, देखो कैसा मुंह बन रहा है इसको खाने की, कह रही ना ब्रेड की ये मैंने मिठाई बनाई है, देखो कितना मुंह बन रहा है इसका, 5 कोने का। बहुत गंदी लगती है, गंदी लगती है। मुझे लास्ट बार है ना कमेंट भी आया था कि आप लोग मिठाई खा रहे हो और आपके बच्चे किस तरह से आपका मुंह देख रहे हैं, ये बच्चे हैं ना इनको इतनी अच्छी अच्छी चीज बना के दो तो नहीं खानी होती है, अभी आम दे दो 1 किलो खा जाएगी, खाना है हम खा गई, कल आए थे पूरे खत्म हो गए मेरे हाथ गंदे, ऐसी चीजें नहीं खाती है ये। ये रही हमारी ब्रेड की मिठाई, बहुत जल्दी बन जाती है और बहुत ही टेस्टी लगती है, इनको नहीं लगती है केवल हमको लगती है, और देखना 1 चम्मच भी नहीं खाएंगी ये, दूध दूध पी के दे, खाली खाली दूध पी के दे। थूक दे जाके, थूक दे पते ऐसे चल नहीं खा रही, तो खाना नहीं है तो आना भी, वो कौन से पहुंचे।
चलिए आप सब भी हमारे साथ इस मिठाई को ना इंजॉय करिए, यानी इसका मतलब हो गया कि इस रेसिपी को जरूर ट्राई करना, बहुत अच्छी रेसिपी है। देखो अभी इन्होंने मिठाई खाई, अब नमकीन खा रहे हैं। बोलते हैं दोपहर का टाइम है, भूख लग रही है, दाल चावल खा के ना पेट नहीं भरता है। आज रोटी हमने बनाई नहीं थी, बस दाल चावल बनाए थे, तो है ना हमको 1:30-2 बजे ही भूख लगी क्योंकि सुबह सबने जल्दी खाना खा लिया था। और साड़ी मैंने पता है नहा ली, खाना पीना बना लिया, खा लिया, काम कर लिया, उसके बाद पहनी है ताकि है ना गर्मी भी ना लगे और मैं साड़ी भी पहन लूँ। और ये साड़ी मैं आपको दिखाऊंगी पूरी की कैसी लगती है देखने में। और इसका कलर है ना हल्का पिंक कलर है, देखो दिख रहा है आपको, एकदम हल्का सा पिंक गाजरी टाइप कलर होता है ना वो कलर है इसका। देखो मेरे सूट का भी यही कलर है, ये वाला सूट रखा है ना, दोनों सेम सेम कलर की है। तो अब गए, अब क्या खा रहे हो है जे? खाने को देख रहे हैं, उनको पता है मेरे घर में यही है, सारे दिन खाना पीना चलता है। मैं ना कभी कभी तो परेशान हो जाती हूँ बर्तन मांजते मांजते कुकिंग करते करते। अब ये दोपहर के बर्तन है ना, अब इनको मैं रख दूंगी, मांजूंगी 3 या 4 बजे, क्योंकि तो सारे दिन काम नहीं कर सकती भैया, मैं अकेली परेशान हो जाती हूँ, हर छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा काम देखना होता है। सो अब मैं करूंगी 4 बजे के बाद, 4 बजे के टाइम पे खड़ी होंगी, बर्तन मांजूंगी, झाड़ू लगाऊंगी, घर को साफ करूंगी। और अब क्या लेकर आए? बादाम। अब इनका खाना पीना चालू ही होती देर से, पहले ब्रेड खा ली, नमकीन खा ली, अब बादाम खा रहे हैं। अब गए बच्चों के पास में, तो सुबह से मैंने मेरा वो नाइट ड्रेस है ना वो पहन रखा था, क्योंकि काम करने में ना बड़ी आसानी हो रही थी। तो चलिए मैं ना दिखाती हूँ आपको मेरी ये साड़ी कैसी लगती है, पूरी की पूरी है ना, बोले ना अच्छी लग रही साड़ी। बहुत अभी पीछे क्या बोल रहे थे, बैक कैमरे से दुल्हनिया क्या बोल रहे थे, दुल्हन लग रही है, जब नई नई शादी हो गई तब पहन रही थी साड़ी। को ये बताए हमारी कौन सी साड़ी है, ये वो साड़ी है जिसको पहन के नई नई शादी में हम लोग पहली बार है ना केला देवी मंदिर गए थे, वो ना वही वाली साड़ी है ना, और आज मैंने पहन ली। मैंने कहा चलो पुरानी साड़ी से ही यादें ताजा हो जाती हैं। तो बस कैसी लगी आप लोगों को मेरी बहुत पुरानी साड़ी, 9 साल पुरानी साड़ी है बताना। और उस समय ना ये पैटर्न बहुत चली थी ब्लाउज की, है ना, ये मैं अहमदाबाद से सिलवा के लाई थी, यहाँ पर नहीं सिलवाए थे अहमदाबाद में, उस समय ये पैटर्न बहुत चली थी 9 साल पहले, तब मैंने करवाई थी। देखो इसमें फ्रिल है कितनी सारी है, बहुत अच्छी लगती थी, आजकल फिर से ये डिजाइन आ रही है ना, तो ये मैंने करवाई थी डिजाइन। कैसी लगी मेरी साड़ी? और मैं अच्छी लग रही है, थैंक यू ऑन कैमरा, हम आपको थैंक यू बोलते हैं, आपने हमारा क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, हमारी बड़ाई करी आज आपने, तारीफ करी, उसके लिए थैंक्स, वरना आप और हमारी तारीफ करें कभी हो ही नहीं सकता। ओके ओके, तो फिलहाल के लिए तो इस वीडियो को कर देते हैं एंड, और मिठाई अच्छी लगी हो तो आप लोग जरूर ट्राई करना। जो बाय लो तावले बैठे रहते हैं, यानी जिन लोगों ने मेरी रेसिपी नहीं देखी ना पहली वाली वीडियो में, वो भी इस रेसिपी को दोबारा यानी एक बार जरूर ट्राई करना, क्योंकि पहले जब मेरे सब्सक्राइबर्स काफी सारे सब्सक्राइबर हैं उन्होंने ट्राई की और मुझे थैंक्स बोला, तो उसके लिए थैंक्स, आप लोगों को मेरी रेसिपी अच्छी लगी। तो चलिए इस वीडियो को एंड कर देते हैं, कल मिलेंगे। और अभी हमारे मेहमान है ना बकेट के अंदर आराम से सो रहे हैं, उसको ले जाना वापस है ना, नहीं मर जाएगा घर पे। हाँ पंडित जी को देते ना बाल्टी में रख के ले जाएंगे, घर में कहाँ रहेगा बेचारा, मर जाएगा। सो चलिए बाय बाय, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, और हाँ चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करो यार। तो चलिए बाय 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 बाय। आज नई नई टी शर्ट पहनी है ना, तो अपने आप को पता नहीं हीरो समझ रहे, हमसे बातें नहीं कर रहे, इसलिए हमने भी हमारी पुरानी साड़ी पहन ली है। हाँ बड़े स्मार्ट दिख रहे हो तो व्हाइट टी शर्ट में, मैंने कल से बोल, मैंने नहीं सुबह से मैंने बोला नहीं इनसे, मैंने कहा चने के झाड़ पे चढ़ जाएंगे। अरे मैं सुंदर हूँ तो हूँ, नहीं व्हाइट टी शर्ट अच्छी लग रही है ना ये वाली, इन पे ये क्या फट भी गई, सिलाई निकल गई, देखो अभी तुमने हाथ ऊपर किया तो मैंने देखा सिलाई निकल गई। क्या दिखाने लाए, कछुआ, उनको कछुआ दिखाने ले जा रहा है। कितना खुश हो रहा है सुबह से। तो चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं, बाय बाय।